जय हिंद दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे सैमसंग का इन्वर्टर मॉडल के डेमो के बारे में, फंक्शन किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और सब मशीन के अपेक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है एक यहाँ पे साइकिल बटन है, ठीक है। सबसे पहले पावर को ऑन कर देना है। पावर ऑन करने के बाद यहाँ एक साइकिल बटन दिया हुआ है, साइकिल बटन से आप प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। साइकिल के जितना बार दबाइएगा उतना प्रोग्राम आपका सिलेक्ट होता रहेगा। देखिए हो रहा है प्रोग्राम सेलेक्ट। आपको हम बारी बारी से प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका नॉर्मल है, नॉर्मल में सभी तरह का कपड़ा जो है मिक्स धो सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है आपका सुपर क्लीन। सुपर क्लीन में थोड़ा सा और नॉर्मल से अच्छा धुलाई करने के लिए आपको सुपर क्लीन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्विक वॉश हो गया आपका, जल्दी के लिए कम गंदा कपड़ा है उसके लिए है। डेलिकेट्स हो गया आपका, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा के लिए, जैसे बच्चा लोग का कपड़ा आता है सॉफ्ट, उस तरह कपड़ा के लिए डेलिकेट्स है, या उलन के लिए डेलिकेट्स का यूज कर सकते हैं आप। एक्वा प्री रिजर्व का मतलब होता है वॉश करेगा मशीन, रिंस करेगा, उसके बाद मशीन आपका रिंस पे जाकर रुक जाएगा, उसके अंदर में जो पानी होगा वो पानी वहीं पे स्टोर हो जाएगा। एक्वा प्री रिजर्व का मतलब होता है पानी का सेविंग करना। क्या होता है कि कपड़ा एक बार धो के पानी निकाल देता है, जब हम लोग दोबारा रिंस करते हैं, खंगालते हैं, तो उसका कंडीशन जो पानी इसमें खंगाल के बचता है वो पानी साफ होता है, वो पानी गंदा नहीं होता है। उसको रीयूज करने के लिए आप कपड़े को निकाल के बाल्टी में रख लीजिए और फिर से दोबारा जो है उसमें कपड़ा डाल के फिर से वॉश कर सकते हैं आप उसी पानी में, क्योंकि वो पानी गंदा इतना होता नहीं है। और फिर उसके बाद दोबारा वॉश करके फिर एक बार निकाल के लास्ट में आप अकेला स्पिन कर सकते हैं, मतलब कपड़े को सुखा सकते हैं। उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि अकेला स्पिन कैसे किया जाता है, मतलब सिर्फ स्पिन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ कपड़े को सुखा कैसे सकते हैं, वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे। तो एक्वा पी रिजर्व का मतलब होता है पानी का बचत करना, मतलब वॉश करेगा, रिंस करेगा, रिंस करने के बाद स्पिन नहीं करेगा, और जो रिंस किया हुआ पानी रहेगा वो आपका स्टोर रहेगा मशीन में ही, वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप उसको निकालिएगा नहीं, ठीक है। तो अब फिर से प्रोग्राम सेलेक्ट किया, आप दूसरा कपड़ा डाल के धो सकते हैं। और अगर एक्वा प्री रिजर्व का पानी अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक ड्रेन का बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करिएगा तो आपका पानी जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा, सिर्फ पानी निकलेगा और दूसरा कोई काम नहीं होगा। इस ड्रेन के बटन को प्रेस करने पर सिर्फ पानी निकालने के लिए दिया गया है। या कभी ऐसा होता है कि आप कपड़े को धो रहे हैं, धोते वक्त लाइन कट गया, कपड़ा निकाल के आप जो है घर पे मैनुअली धो लिया अपने हाथों से और पानी बचा हुआ रह गया, तो उस पानी को कैसे निकालें, उसके निकालने के लिए जो है एक ड्रेन का बटन दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ ड्रेन, इसको आप प्रेस कर दीजिएगा मशीन को ऑन करके, पानी आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, फिर मशीन आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो प्रोग्राम है आपका जींस का है, जींस पे सिर्फ जींस डालिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मशीन फास्ट काम करता है। अगर उसमें डेलिकेट्स कपड़ा, बच्चे लोग कपड़ा डाल दीजिएगा, सॉफ्ट कपड़ा, वो सब फट जाएगा, इसीलिए जींस में सिर्फ जींस डालिए आप, ठीक है। बेडिंग के लिए है, बेडिंग में आप जो बेडशीट होता है बेडशीट को डाल सकते हैं। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं इसमें कि मशीन अगर आपका 6.5 kg का है तो 50% वेट का कपड़ा जाता है, मिक्स कपड़ा। 6.5 kg आपका प्योर कॉटन के लिए रहता है वेट, कंपनी जो वेट करती है 6.5 kg प्योर कॉटन कपड़े के लिए किया हुआ रहता है वेट। अगर आप मिक्स कपड़ा डालते हैं, सिंथेटिक हो गया, उलेन हो गया, या फिर पोलिस्टर वगैरह का कपड़ा जो है, ठीक है, डालते हैं, तो उसमें क्या है आपको 3 kg डालना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, समझ गए कि अगर आप मिक्स कपड़ा डाल रहे हैं वॉशिंग मशीन में तो आपको 3 kg कपड़ा ही डालना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं डालिएगा, नहीं तो मशीन पे लोड पड़ेगा, उस कंडीशन में मशीन वाइब्रेट भी कर सकता है, मोटर जलने की संभावना होती है, गियर असेंबली पे असर पड़ता है, पल्सेटर टूट जाता है, बहुत तरह की समस्या आती है ओवरलोड होने पर। तो इसीलिए अगर मशीन आपका 6.5 kg का है तो 3 kg मिक्स कपड़ा डालना है, अगर प्योर कॉटन है तो प्योर कॉटन आप 6.5 kg डाल सकते हैं। बेडिंग में है कि 2 बेडशीट आप डाल सकते हैं, अगर आपका डबल बेड का बेडशीट है तो 2 बेडशीट सफिशियंट है, इसमें 2 बेडशीट डाल के आप धो सकते हैं अच्छे तरीके से अगर धोना है तो, ठीक है। ज़्यादा डालिएगा तो कपड़ा आपका साफ नहीं करेगा। यहाँ पे एक बटन दिया है रिंस स्पिन का, तो रिंस स्पिन में
क्या होता है कि कपड़े को सिर्फ खंगालेगा और सुखाएगा, धोएगा नहीं। इस प्रोग्राम में धोने का सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ खंगालने का और सुखाने का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इको टब क्लीन दिया है। इको टब क्लीन में आपका टब क्लीन करने के लिए रहता है, महीने में एक बार आप टब क्लीन पे लगा दीजिए, मशीन आपको ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा बिना किसी लिक्विड के, बिना किसी डिटर्जेंट के। खाली मशीन को इको टब क्लीन पे सेलेक्ट करके और स्टार्ट कर देना, आपका आपका टब क्लीन कर देगा। इसमें आपको 90 से 96 मिनट तक का टाइम लेता है, ठीक है। देखिए प्रोग्राम आपका सेलेक्ट हो रहा है, इसी तरह से आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। देखिए टब क्लीन पे आ गया, जो भी प्रोग्राम चलाना है उस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस साइकिल के बटन को प्रेस करके। उसके बाद आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। देखिए यहां पे क्या है, एक अब जो ये साइकिल की तरह घूम रहा है डिस्प्ले के ऊपर में, वो एक्चुअली में क्या होता है कि कपड़े के लोड को सेंस करता है। देखिए आपको ड्रम दिखा रहे हैं, ड्रम जो है अभी मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे क्लॉक एंटी क्लॉक करता है, तो इसमें क्या है कि क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं करता है, वन साइडेड ही घूमता है, क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है इसीलिए वन साइडेड ही घूमेगा। एक बार घूमेगा, हल्का रुकेगा, फिर घूमेगा, फिर रुकेगा, फिर तीन बार इस तरह से घूमता है। तो उसमें क्या करता है, कपड़े के लोड को सेंस करता है कि कितना कपड़ा है और हमको कितना पानी लेना है, क्योंकि कपड़े के लोड के अनुसार ही पानी लेता है। अगर इसमें भीगा हुआ कपड़ा डाल दीजिएगा तो कपड़े के अनुसार नहीं, कपड़े से ज़्यादा पानी ले लेगा, जितना पानी नहीं भी चाहिए, क्योंकि अगर भीगा हुआ कपड़ा डाल रहे हैं तो कपड़ा भारी रहेगा, मशीन को लगेगा कि बहुत ज़्यादा कपड़ा है डला हुआ है इसमें, तो पानी भी ज़्यादा लेना है, तो पानी ज़्यादा लेगा। अब देखिए क्या है कि वाटर लेवल 5 पे सेंस कर लिया है डिफॉल्ट, ठीक है, विदाउट कपड़ा का, ठीक है। देखिए ड्रेन बटन को इस तरह से प्रेस करना है आपको, अगर पानी को निकालना है तो ड्रेन बटन दिया हुआ है। अगर आपको वाटर लेवल सेट करना है तो देखिए मैनुअल, अगर वाटर लेवल सेट करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया वाटर लेवल का, इस वाटर लेवल के बटन से आप वाटर को सेट कर सकते हैं। इसके बगल में जो बटन आप देख रहे हैं ये आपका वाश का है, वाश टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए है। मतलब अगर 12 मिनट दिया है, 24 मिनट दिया है, तो उसको आप बढ़ा के 30 मिनट तक वाश कर सकते हैं। इसके बाद आइए इधर साइड में, ये वाश टाइमिंग हो गया, उसको बटन को प्रेस करके वाश टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिंस है, रिंस का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम तक दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करके रिंस का टाइमिंग जो है आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्पिन है, ठीक है, स्पिन में मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट 9 मिनट 9 मिनट तक दिया है, तो आप 1 मिनट 3 मिनट 7 मिनट 9 मिनट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बटन दिया हुआ है मैनुअली सेलेक्ट करने के लिए, बाकी तो ऑटोमेटिक जो काम करता हो तो काम करेगा ही। और इसमें आपको हम एक चीज बता देते हैं कि अगर आपको सिर्फ वॉश करना है या सिर्फ रिंस करना है या सिर्फ स्पिन करना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको इस बटन को प्रेस करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ वॉश के ऊपर में लाइट जो है बंद हो गया है, ठीक है, लाइट नहीं जल रहा है, मतलब वॉश नहीं करेगा। अगर रिंस में भी इस तरह से बटन प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और रिंस का देखें, रिंस में जो है एक भी लाइट नहीं जल रहा है, मतलब क्या है कि रिंस का फंक्शन ऑफ कर दिया गया है। अब यहां देख सकते हैं कि खाली वॉश का फंक्शन ग्लो कर रहा है, ठीक है, स्पिन भी बंद हो गया, रिंस भी बंद हो गया, मतलब इस बटन को प्रेस करते रहेगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ वॉश करना है तो यहां पे सिर्फ लाइट जलेगा आपका, ठीक है, इस बटन को प्रेस करते रहेगा तो आपका लाइट ऑफ हो जाएगा यहां से, तो समझिए कि आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, रिंस कैंसिल हो गया। यहां भी बटन को प्रेस कीजिएगा तो यहां पे लाइट ऑफ हो जाएगा, तो समझिए कि ये भी प्रोग्राम आपका कैंसिल हो गया है। देखिए अब इसको हम प्रेस करेंगे, देखिए अब आ गया है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, देखिए ऑफ हो गया वॉश का। इसी तरह से जो है प्रेस करते रहेगा तो भी देखिए ऑफ हो जाएगा, 5 पे जाएगा फिर ऑफ हो जाएगा अगर आप प्रेस करते हैं तब। अब देखिए इधर एक है आपका इंटेंसिव वॉश, इंटेंसिव वॉश है। इंटेंसिव वॉश का मतलब हो गया कि अगर कपड़े में अगर आपका दाग धब्बा लग गया है, ठीक है, ज्यादा गंदा है, कीचड़ लग गया है, तो उस कंडीशन में जो है इंटेंसिव वॉश को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंटेंसिव वॉश का बटन है, उसको आपको फिर प्रेस कर देना है। देखिए सेलेक्ट हो गया बटन। इसके बाद नीचे देखिए दिया है मॉनसून। अगर मॉनसून का मतलब होता है कि अगर
बरसात का मौसम है या ठंडी के मौसम में कपड़े में ज़्यादा मॉइस्चर रह जाता है, तो उसको ज़्यादा सुखाने के लिए आपको मानसून सेलेक्ट करना पड़ेगा 15 मिनट 30 मिनट। तो क्या होता है, कपड़े की जो सुखाने का टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के लिए बटन को प्रेस कीजिएगा तो 15 मिनट और 30 मिनट दोनों सेलेक्ट होगा कि 15 मिनट चलाना है या 30 मिनट चलाना है। और अगर सिर्फ रिंस करना है तो उसके लिए आपको हम बता देते हैं कि खाली स्पिन करना है, उसके लिए बता देते हैं आपको हम कि किस तरह से होगा। अगर सिर्फ वॉश करना है तो वॉश के बटन को प्रेस करके रखिएगा, देखिए वॉश के बटन को प्रेस करके रखिएगा 3 सेकंड तक, तो क्या होगा कि रिंस और स्पिन दोनों का लाइट ऑफ हो जाएगा, सिर्फ वॉश करेगा। अगर सिर्फ रिंस करना है तो रिंस के बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा 3 सेकंड तक, तो सिर्फ रिंस करेगा। अगर खाली स्पिन करना है तो स्पिन के बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेगा तो सिर्फ स्पिन करेगा, दोनों फंक्शन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है 3 सेकंड तक, तो प्रोग्राम आपका आगे काम करता है। देखिए अभी स्पिन हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक ड्रम क्लीन दिया है। जब एक कभी काल कभी होता है क्या है कि ये ड्रम क्लीन का जो लोगो है कभी आपका ग्लो करने लगेगा रेड कलर से, मतलब आप ड्रम क्लीन नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा ड्रम क्लीन करने के लिए, जब टाइमिंग हो जाएगा ड्रम क्लीन करने का तब, ठीक है। तो ये ड्रम क्लीन में अगर लाइट ग्लो कर रहा है तो डरने की बात नहीं है, ये ड्रम क्लीन का इंडिकेटर है। उसके बाद देखिए ऊपर एक लॉक दिया है, ये दिया है चाइल्ड लॉक करने के लिए, मतलब मशीन चालू है कोई बच्चा के डोर को उठाता है तो मशीन आपका काम नहीं करेगा, चलना बंद हो जाएगा। देखिए कैसे बंद हो जाएगा, चाइल्ड लॉक करने के लिए आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दो बटन है आपका, वॉश और रिंस दोनों को एक साथ प्रेस करना है 3 सेकंड तक। देखिए आपका ग्लो करने लगा, लॉक ताला का जो बटन है ग्लो करने लगा, मतलब चाइल्ड लॉक हो गया है। अब डोर को उठाइएगा तो डीसी लिखेगा, फिर बंद कीजिएगा जो सीएल लिखेगा, उसके बाद कोई बटन काम नहीं करेगा, मतलब आपका चाइल्ड लॉक फंक्शन वर्क कर रहा है, मशीन आपका बंद हो गया, मशीन आपका नहीं चल रहा है, कोई बटन काम नहीं करेगा। ये होता है सेफ्टी के लिए, बच्चे से सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक का यूज किया जाता है। फिर से पावर ऑफ कीजिएगा, पावर ऑन कीजिएगा, और फिर सेम वॉश और रिंस का बटन को 3 सेकंड तक प्रेस कीजिएगा तो आपका चाइल्ड लॉक हट जाएगा, ठीक है। चाइल्ड लॉक यहां से हट गया है, तो ये हो गया इसका प्रोग्राम एंड फंक्शन।